मैया जी की आरती जो कोई गावे हो मैया जो कोई नरगा कहत शिवानंद स्वामी सिर जपत हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जग। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करने वाले हैं खातेगांव कन्नौज विधानसभा की। तो नैमावर जब पहुंचते हैं तो नैमावर में मां नर्मदा का नाभि कुंड है, तो हम चल रहे हैं नाभि कुंड की तरफ। एक तरफ देखिएगा भगवान शिव विराजे हैं, ये अति प्राचीन मंदिर है और प्राचीनता खुद अपने आप बयां करती है कि कितना प्राचीन ये क्षेत्र रहा होगा नैमावर का। लेकिन यहाँ आकर नर्मदा एक अलग रूप में दिखाई देती है। आप नर्मदा का एक तट देखिए और नर्मदा से हम चल रहे हैं इस समय नाभि कुंड की तरफ। चलिए, तो जिस नाभि कुंड के लिए हम निकले थे नर्मदा के उस तरफ से, हम उस नाभि कुंड की तरफ पहुंच गए और कहते हैं कि नाभि कुंड ये यहाँ विराजा है। मैं भी वहां तक जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आखिर है क्या नाभि कुंड है ये मां नर्मदा का। नाभि स्थल है ये। क्यों कहते हैं इसको? बिचम्बी सेंटर, जो नाभि नर्मदा जी का नाभि बोलते हैं उनको। तो लोग यहाँ आते रहते हैं? आते रहते हैं। दिन भर में कितने लोग आते हैं? दिन भर में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो आते हैं वो आते हैं, जो नहीं आते वो नहीं आते। यहाँ आने से क्या होता है? जो आने से होते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, जो बोलते हैं वो होती है। चलिए, कहते हैं कि इस नाभि कुंड में नाभि स्थल पर आने के बाद जो भी दर्शनार्थी है, श्रद्धालु है, जो आस्था रखते हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी आस्था पूरी हो जाती है। तो मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी आस्था तो सिर्फ इतनी है कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहे और जो जायका चुनाव का लेने आए हैं वो भी हमें मिल जाए। नैमावर, नर्मदा नदी का ये नाभि स्थल खातेगांव कन्नौज विधानसभा सीट को एक अलग ही पहचान देता है। ये पूरी विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है, जिस पर ज्यादातर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 1993 में जरूर कांग्रेस के कैलाश कुंडल यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद यहां कमल ही खिलता रहा है। 2013 और 2018 में आशीष शर्मा ने यहाँ से कांग्रेस को मात देकर बीजेपी के इस गढ़ को बरकरार रखा। लेकिन इस बार नर्मदा के इस तट पर सियासत क्या कह रही है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नैमावर से ही। तो आज हम बात कर रहे हैं खातेगांव कन्नौज विधानसभा की। 2023 की चुनाव होना है, लेकिन ये नैमावर है और इस विधानसभा की पहचान इसी नैमावर से होती है। इस बार क्या होगा चुनाव में, पंजा जीतेगा कमल जीतेगा? यार दादा, ये तो नहीं कह सकता कि कौन जीते। कौन को अच्छा मानते हैं आप, शिवराज की कमलनाथ? अरे अपना, हमको तो वही करना है। हाँ। धार के कब्बर से दोनों जूटे है, अब उनकी जाने। कितना बदल गया ये नैमावर में, कितना काम हुआ? विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है, रोड़े बनी है अभियान। तो क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव? 2023 यहाँ से बीजेपी जीतेगी। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत शर्मा। शर्मा जी, कितना बदल गया नैमावर? बहुत ज़्यादा हो गया। इस बार क्या होगा चुनाव में? अभी चुनाव का कोई आए तो सही उम्मीदवार, तो अभी तो मोदी जी की सरकार चाहते हैं, शिवराज भी चाहते हैं अभी के हिसाब से। तो कमलनाथ जी? अभी कमलनाथ जी का नहीं, अभी इधर आया नहीं, कुछ आया नहीं अभी। जब तक कोई उम्मीदवार आएगा, जब कुछ विचार विमर्श बनेगा। चलिए, आज भी सिगड़ी की चाय, ये देखिए आप, ये चाय है, ये पहले रहा करती थी इस तरह से और ये चाय बनती थी। विधायक से कितना खुश है? अच्छा, बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, हाँ। फिर क्या होगा 2023 में? विजय, बीजेपी। हाँ। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, शिवराज की सरकार की कमलनाथ की सरकार? सरकार तो कोई चीज हो, जिसको काम अच्छा लगेगा जनता उधर निप जाती है। तो अभी किसका काम अच्छा लगे? मेरा को तो अभी फिलहाल की स्थिति में तो बीजेपी का काम अच्छा लग रहा है। वो सब मिल रहा है आपको, राशन आसन मिलता है, जो मिलता है? हाँ, मिल रहा है, सब मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है? मिल गया। हाँ, घर बन गया? हाँ, घर बन गया ना। पहली बार वोट डालोगे 18 साल में?
किसको डालोगे? पहली बार तो कमल पे डालो। कमल पर? हाँ। कमल में क्या दिखता है? कमल में हमेशा कमल ही आता है, इसलिए कमल पे डालना है। और क्या क्यों क्या होगा इस बार? बीजेपी की सरकार आएगी फिर डबल से। बीजेपी तो कई दिनों से आई रही, बीच में कमलनाथ भी आए। कमलनाथ आए थे पर उनसे काम कहाँ हुआ, उनसे संत ही नहीं समझी। बीजेपी की सरकार बनी रही है, वही बनेगी क्योंकि काम भी उनका अच्छा है। सर आप लोग तो यहीं रहते होंगे, कितना बदला है नेमा पर? निमार कहाँ बदला भी? कुछ नहीं हुआ। अब जो रोडे बनो भैया, और क्या होना चाहिए? स्टैंड नहीं है यहाँ, बिजली समय पे रहती नहीं है। बिजली हाँ, समय पे पानी आता नहीं है, और क्या ये फिर क्या होगा 2023 के चुनाव में? हम क्या कर सकते हैं यार भैया, वोट तो डाल देंगे। कमलनाथ की सरकार बनेगी या शिवराज की? हम तो कमलनाथ में डालेंगे। इस विधानसभा में कई गांव आते हैं, किसान बाहुल्य क्षेत्र में पुरानी बैलगाड़ी की सवारी मिल जाती है तो साथ ही अलग अलग फसलों से लहलहाते खेत एक सुखद एहसास कराते हैं। लेकिन विकास के कामों की तारीफ तो होती है पर सड़क की जद में कई किसानों की नाराजगी भी दिखती है। खातेगांव विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है, और जब यहाँ पहुँचते हैं तो बैलगाड़ी, ट्रैक्टर या फिर गांव का वो माहौल देखने को मिल जाता है। मैं भी पिपरिया एक गांव पड़ता है यहाँ, और उस गांव के अंतर्गत ये विधानसभा आती है। रुक गया हूँ, चल रहा हूँ दादा के साथ, बैलगाड़ी में बैठने का मौका मिल गया लंबे अरसे के बाद। अब आज मैं भी बैठ जाता हूँ बैलगाड़ी में, और देखिए इसको चुनाव में इस बार क्या होगा, कमलनाथ वाली सरकार बनेगी शिवराज वाली? अब जो तो कोई नियम नहीं है क्या बन जाती है सरकार। हाँ। कमलनाथ वाली बन जा सकती है, नहीं तो शिवराज वाली बन सकती है। काम कौन अच्छा करता है, शिवराज की कमलनाथ? शिवराज से। शिवराज हो क्या है ऐसा शिवराज है? क्या दिखता है ऐसा? दिख रहा है नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह काम जो करेगा। खाद है वो कोई किल्लत है कि सब मिल रहा है आज? नहीं मिल रहा, नहीं खाद तो खूब बम मिल रहा है। हमारे सोसाइटी में बेला नहीं है पेपर नानकार, इधर उधर बेला ही है, मतलब पेपर कोटा इनमें रिजगांव देवगांव इनमें सोसाइटी में खाद नहीं आते है। आपके विधायक ने कैसा काम करा है? विधायक ने तो अच्छा काम करा। कौन है आपका विधायक? आशीष शर्मा। हाँ तो बैलगाड़ी में बैठने का मजा कुछ और ही है, मुझे पूरा मजा मिल गया। मैं तो निकला था खातेगांव विधानसभा को समझने, लेकिन गांव में चर्चा इस समय मोदी की भी चल रही, राहुल गांधी की भी, और बाकी कमलनाथ और शिवराज की भी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएंगे चर्चा ढेर सारी होंगी। खातेगांव कन्नौज विधानसभा के राम दुलवा गाँव में हूँ मैं, और यहाँ चलते चलते बहुत सारे लोग मुझे मिल गए। चौपाल सी लगी हुई, शाम का वक्त है, बैठे हुए हैं। पर क्या होगा इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो बढ़िया होगा, जो चल रहा है वो सही है। क्या चल रहा है अभी? तो अच्छा काम का चल रहा है। और क्या? किसका? बीजेपी भाजपा मोदी सरकार का। मोदी सरकार जी खुश है? मोदी जी? मोदी जी से खुश है हम। तो मोदी जी के नाम पर चुनाव होंगे कि शिवराज जी के नाम? नहीं, शिवराज और मोदी दोनों के नाम से होगा। कमलनाथ कहते हैं हमें मौका नहीं मिला, तो हम कार्य कुछ भी नहीं करा 15 महीने की सरकार ने। उन्होंने क्या किया कमलनाथ ने? क्या किया? झूठे आश्वासन देते हैं कमलनाथ जी, किसान के कर्जे माफ कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। नहीं हुआ। वो कहते 27 लाख कर्ज माफ कर दिया। हमारा ही नहीं करया कर्जा, कहाँ का माफ करया। हाँ नहीं करया, बेके 50,000 से ऊपर कम हो तो करांगे, गुण 50 भी होगा, 50,000 से ऊपर था, 50,000 ही था, 50-50 एक रुपये नहीं माफ करे। तो फिर इस बार क्या होगा चुनाव में? अब इस बार चुनाव में खींचेगा बीजेपी में। सरकार जो कह रही है कि किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, आ रहा है किसानों के खाते? आ रहा है ना। हाँ, दो हज़ार रुपये की गोंदनी आए 1 किलो में। क्या? 1 किलो गोंद नहीं आता है 2,000 रुपये टेम क्या होता है? मेरी बात सुनो, विकास की बात करें, क्या करा है विधायक ने तुम बताओ ना, क्या करा विधायक? घर तोड़वा दिया हमारे घर, ये पूरे 1 रुपया भी नहीं दिया। कम से कम 50 बार हम हुई है पूरे गांव के लोग विधायक जी के पास, सारी जगह हुई है आंदोलन। आज तक विधायक जी ने हमारे पास आके नहीं बोला कि यार तुम्हारी क्या समस्या है। पागल बनाते विधायक जी, जब जाओ जब। कम से कम मैं खुद हुई है 50 बार। हाँ मैं आ रहा हूँ तुम्हारा काम करवा दूँ, पूरा बेघर हो गया पूरे गाँव। देख लो ये रोड में, नेशनल हाईवे में। खातेगांव विधानसभा में दो बड़े कस्बे हैं, खातेगांव और कन्नौज। यहाँ से इस विधानसभा की सियासत चलती है। खातेगांव में जब बस स्टैंड पहुँचते हैं तो बात यहाँ के विकास की भी होती है,
तो अतिक्रमण को लेकर सवाल भी उठते हैं। मैं इस वक्त खाते गांव में हूं, बात कर रहे हैं खाते गांव कन्नौज विधानसभा की। ये खाते गांव का बस स्टैंड है, इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव? इस बार की तो कुछ नहीं कह सकते हैं सर, वो हमारे पहलवान थे उनकी बात अलग थी। उनके टाइम में तो बहुत सब उसी के टाइम का है। अभी विधायक जी ने क्या करा है? अभी तो मेरे को तो नहीं लगता कुछ कर पाया। ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी खराब है, अतिक्रमण इतना हुआ है, ट्रैफिक के मारे बहुत परेशान है। तो क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव? 2023 में अब देखो जनता का मूड तो है कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी, विधायक जी कैसे काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं सर। तो अच्छा, कमलनाथ ठीक है या शिवराज? शिवराज सिंह। क्यों? बढ़िया काम कर रहा है और क्या। शिवराज जी क्या करते हैं? अच्छा है, सबको धंधा पानी लगा रहा, नौकरी पैसा दे रहा ले रहा। अरे दे रहा लेना भी कर रहा है, पैसे देने भी दे रहा है, गल्ला पानी भी दे रहा है, फायदा कर रहे हैं फल फ्रूट वाले ठेले वालों को, ठेला भी दे रहे हैं फल फ्रूट के लिए, पैसा भी देते हैं और दुकान वाले पूरा रोजगार दे रहा है। बढ़िया रोजगार मिल रहा है, अच्छा रोजगार चल रहा है, पूरा रोजगार मिल रहा है सर उनका। हो रहा है जी सर, सरकार से खुश सहायता कर रही है सरकार को। सरकार भाजपा की आएगी, भाजपा की हाँ वो तो आने चाहिए भविष्य में भी। अच्छा काम हो रहा है। बीजेपी की आएगी सरकार? सर जी हमारा काम तो हो नहीं था, विधायक तो सुनते नहीं है। हाँ। ना गाली वाली का हम चक्कर लगा के नाली नहीं बन रही ना कुछ भी नहीं होता हमारे गली में मोहल्ले में। अच्छा सरकार कैसा काम कर रही? सरकार जो किसानों के खाते में पैसे से डालती मिला कि नहीं? कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। कौन अच्छा काम करता, पंजा वाला कमल वाला? ये वो तो पंजा ना करे ना कोई, कोई नहीं करे, काम ही नहीं करे। क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव में क्या होगा? बीजेपी जीतेगी सर, सरकार बीजेपी की जनता है। इतना विश्वास क्यों है? हमेशा विश्वास है, हमेशा जीतती आ रही है। और कमलनाथ? कमलनाथ भी उनकी भी कोशिश करेंगे तो वो भी आ सकते टक्कर दो ही की चली गई। तो आए थे बीजेपी में पर उनके लोगों ने तो गद्दारी करी उनके। जी उनके लोगों ने ही तो गद्दारी करी ना उनके साथ, वो तो कांग्रेस तो आई थी ना। कांग्रेस तो आई थी पर उनके लोगों ने गद्दारी करी ना उनके साथ, वापस चली गई। इसलिए लोग क्या, लोग यही सोचेंगे फिर अगली बार भी अगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया भैया ये फिर बदल गए तो फिर क्या मतलब, बस इसलिए बीजेपी को ही वोट दो ना। चलिए कई बार ये भी एक माहौल बन जाता अपने आप में। और नेताजी ने क्या कराया? नेताजी ने कॉलेज खुल है, नई बिल्डिंग कॉलेज की बनी है, अस्पताल नया बिल्डिंग बनी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है। क्या होगा 2023 के चुनाव? अब ये तो वक्त पे पता लगेगा, वो तो जनता वोट देगी। अरे तो जनता से तो आप भी जनता हो, आप भी तो वोट करो। हाँ कांग्रेस में देंगे सर इस बार। अच्छा कमलनाथ सरकार चाहिए इस बार। खातेगांव का सबसे बड़ा बाजार आजाद मार्केट है, जहाँ रोजमर्रा के तमाम सामान मिल जाते हैं, लेकिन बात जब चुनाव की चलती है तो मोदी राहुल तक पहुँच ही जाती है। खातेगांव का ये आजाद मार्केट है, आजाद मार्केट में आप देखिए सब्जी की दुकानें हैं और सब्जी की दुकानों के साथ साथ एक अच्छा मार्केट है। 2023 में किसकी दुकान लगेगी, बीजेपी की कांग्रेस की? अब इस बारे में तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि संदर्भ बहुत बड़ा है, क्योंकि एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी हैं, तो ये बोलना बहुत मुश्किल है अभी। तो बोलना फिर, भारत जोड़ो भी दिख रहा है और मोदी जी भी दिख नहीं रहे हैं। कन्फर्म अगर देखा जाए तो मोदी जी के जो काम है उसके दरमियान अगर देखा जाए तो दुकान भाजपा की जाना चाहिए और मोदी जी को फिर आना चाहिए। चलिए मैं तो ये दुकान की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा दुकान किसकी लगेगी, बीजेपी की लगेगी। बीजेपी की क्या दिखता है ऐसा बीजेपी में? बीजेपी भी तो है, जो भी है सब कुछ सभी दिखता है। और राहुल गांधी भी? राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो तो 23 में मोदी जी को लाना है और मोदी जी ही आएंगे। चुनाव क्या मोदी के नाम पर होगा? नहीं, भारत की उन्नति के नाम पर है उन्नति भारत की, मोदी जी के नेतृत्व। राहुल गांधी भी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो तो अच्छा है, करेंगे तो करना भी चाहिए, सामने विपक्ष होना चाहिए, बाकी दमदार होना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र है, पहले हिंदू धर्म है। राहुल गांधी जी को वहाँ तक पोस्ट में भी समय लगेगा ये मेरा मानना है। मैं युवा हूँ, MBA पढ़ा लिखा हूँ, जॉब छोड़कर पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा हूँ पापा का। जॉब क्यों छोड़ दिया? जॉब 2014 में मैंने फॉरेस्ट गार्ड का जॉब हो गया था मेरा गवर्नमेंट, उसका लेटर भी है मेरे पास आज, पर मैंने पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहा। अभी स्थिति बिजनेस की ख़राब है ये मैं मान रहा हूँ, मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं उसमें कुछ चीज़ों में हमारे माइनस पॉइंट में आ रही हैं वो चीज़ें,
पर फिर भी मैं सपोर्ट बीजेपी को करना चाहूँगा, भाजपा को सपोर्ट करना चाहूँगा, दिल से सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र को देखना चाह रहा हूँ। उसके लिए मोदी अभी सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या होगा इस बार 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्या होगा इस बार? श्रीमान जी, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं है तो देश नहीं है। मोदी, जहाँ पे मोदी है वहाँ हिंदुस्तान है। इतने साल पे से भी तो देश चल रहा था, वो चल रहा है और चलेगा और चलता रहेगा, लेकिन मोदी है तो सब कुछ है। सरकार ठीक है, कमलनाथ की सरकार, शिवराज की सरकार? शिवराज की सरकार है। मैं 2023 चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या होगा? उसमें शिवराज सरकार ही आएगी। ऐसा क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? उसके अलावा तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब दूसरी सरकार बिठाएंगे तो फिर वापस वही काम चालू। खातेगांव में चुनावी जायके के साथ यहाँ की गुड़पट्टी का जायका भी अलग है। दावा है कि ऐसी गुड़पट्टी कहीं और नहीं मिलती, लेकिन हमें तो चुनावी जायका मिल गया। मैं एक तालाब के पास रुक गया हूँ, यहाँ लिखा हुआ ब्रह्मांड की सबसे टॉप गुड़पट्टी। अब ब्रह्मांड की सबसे टॉप गुड़पट्टी है या नहीं है तो गुड़पट्टी बनाने वाले भाई साहब जाने, लेकिन क्या है खातेगांव की सबसे टॉप गुड़पट्टी में? तो आप देखिए, ये है यहाँ की गुड़पट्टी, ये अलग तरह की गुड़पट्टी है और इसमें ये ब्रह्मांड की सबसे खास गुड़पट्टी है। ये देखिएगा, ये गुड़पट्टी कुछ अलग है, इसमें फली दाने बहुत वैसे भी डलते ही हैं गुड़पट्टी जब होती है, और अलग तरह से बनाई हुई गुड़पट्टी, मोटी मोटी, और पूरी गुड़पट्टी दिन भर यहाँ लोग लेने वाले आते रहते हैं। क्या है आपने लिख रखा ब्रह्मांड की सबसे टॉप गुड़पट्टी? सर आप टेस्ट करके आप बताइए ना सर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आपको? सर ये अपने यहाँ का प्रोडक्ट है, अपने यहाँ बनाया हुआ ही गुड़ दाने तिल्ली। क्या खासियत होती है सर इसमें? इस गुड़पट्टी में ब्लड का सर्कुलेशन जो रहता है, ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है सबसे शानदार रहता है सर। तो बनाने की कुछ खासियत होती है ना सर? क्या करते हैं? नॉर्मल सर अपना जो बनता है बस। कब से बना रहे हैं? चार साल की, चार सालों से। चार साल में ब्रह्मांड की सबसे टॉप हो गई। कहाँ कहाँ से आते लोग खरीदने? सर गुजरात, महाराष्ट्र, सभी राज्यों के लोग आते हैं यहाँ पे। तो अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या होगा 2023 के? सर चुनाव में तो सर अब बीजेपी आना चाहिए। क्यों, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? अब जो चल रहा है वैसी चल रहा है अभी तो। हमारे विधायक जी का कामकाज बहुत बढ़िया आएगा। क्या होगा इस बार चुनाव में? अब देखते हैं, जनता के ऊपर है। आप जनता नहीं हो? नहीं जनता तो है, बाकी एक वोट से ऐसा वो थोड़ी है कि मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। एक वोट से सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, बाकी अब क्या करते हैं यहाँ के जो, क्या बेरोजगार तो नहीं करा 10 साल से विधायक ने हमारे, अब आगे भी देखते हैं। बीजेपी के ऊपर ही है। तो आप देखिए यहाँ गुड़पट्टी बहुत अलग है, यहाँ के समोसे बहुत अलग है, और दिन भर लोग आना जाना करते रहते हैं। दो लोग हैं यहाँ चाय का आनंद भी ले रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ। कितना बदल गया आपका ये? सर काफ़ी चेंजेस है, डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस है। क्या होगा 2023? 2023 में मोदी जी आना चाहिए। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, उनको अपना अपना ओपिनियन है सर। क्या मेरा ओपिनियन है कि मोदी जी को आना चाहिए फिर से। क्या है मोदी जी में ऐसा? सर बहुत सारी चीज़ में डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो जो पिछले कई सालों से पिछड़ा हुआ था, आज की डेट में बहुत सारी चीज़ में परिवर्तन है। क्या पहले इसी रोड पे अगर चलते थे तो गड्ढे मिलते थे अपने को, पर आज की डेट में कम से कम ये तो है कि सही से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास सबसे अच्छा है कि आयुष्मान कार्ड का, सर आज की डेट में सबसे अच्छा रिजल्ट आयुष्मान कार्ड में आपको मिलेगा। मिलता है रिजल्ट मतलब? बिल्कुल मिलेगा सर। क्या आप किसी भी हॉस्पिटल की विजिट कीजिए, अगर मैं अभी मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद कैंसर हॉस्पिटल से आया हूँ। क्या वहाँ पे मतलब इस कंडीशन की मतलब क्या बताएं कि व्यक्ति के पास अगर जेब में अगर 2 रुपये भी अगर नहीं है तो भी वो कैंसर का इलाज करवा रहा है, और वो भी 5 लाख तक का फ्री। आयुष्मान कार्ड से? आयुष्मान कार्ड से मतलब रियल में मिल रहा है लोगों को लाभ? रियल में मिल रहा है। क्या खातेगांव के बाद हम कन्नौत पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। लोग खान पान के साथ कुछ लम्हे फुर्सत के बिता रहे थे, लेकिन हमें बात करने का मौका मिल गया। फिर क्या, कांग्रेस के सर्वे से लेकर राजनीति के हर जायके पर खुलकर बात हुई। मैं इस वक्त कन्नौत के भारत माता चौराहे पर हूँ। ये भारत माता कन्नौत, पीछे मेरे आप देखिए भारत माता भी बनी हुई है, इसलिए इस चौराहे का नाम भारत माता हो गया।
लेकिन यहाँ बहुत आवाजाही लगी रहती है। आप इस तरफ भी देखिए, लोगों का आना जाना लगा रहता है। जैसे जैसे शाम ढलती है लोग घरों से भी निकलते हैं। खान पान की दुकान भी यहाँ ढेर सारी मिल जाएंगी। कन्नौज में कितना विकास हुआ, काम हुआ, विधायक जी ने कितना काम कराया? काम तो बहुत होगा था, ये बहुत काम होगा कन्नौज में, सब होगा, रेलवे का होगा, हाईवे का होगा है, बस स्टैंड का होगा, नया बस स्टैंड का, तालाब का होगा है। क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव में? कहीं नहीं, विधायक बनेगा आशीष शर्मा। अच्छा, एकदम बिल्कुल पक्का परफेक्ट? ऐसा इतना विश्वास क्यों? परफेक्ट, कन्नौज में तो विश्वास पूरे ही विश्वास है। कांग्रेस? कांग्रेस का गई काम से। 12th में हूँ। वोट डालोगे इस बार? वोट मैं डालूंगा। डालेंगे किसको? कमल को, पंजे को? कमल को। क्यों, कमल में ऐसा क्या है? कमल अच्छा लगता है, देश का कमल, हमारा कमल, हिंदुत्व का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का काम करती है। चुनाव क्या हिंदुत्व पर होंगे? ये तो अब देखा जाएगा, ये जो चुनाव आ रहे हैं उसमें। उस चुनाव की बात तो मैं कर रहा हूँ। चुनाव तो क्या है, समाज को देख के होने लगे हैं अब, पर जो है चुनाव आजकल क्या है, बराबर समान में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस बीजेपी, जो समाज का हित चाहेगी हम उसको वोट देंगे। क्या होगा 2023 में, क्या होगा कन्नौज खातेगांव विधानसभा में? कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा उम्मीदवार देगी तो कांटे की टक्कर होगी। क्या क्या लगता है दोनों, मतलब पिछले चुनाव और इस चुनाव में कितना फर्क होगा, 23 का चुनाव 18 के चुनाव में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन जो है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सब होते रहे, ये सब चरण सीमा पे खुले हाथ है। रोजगार के नाम तो कुछ भी नहीं, आदमी पेट्रोल डीजल सब पे परेशान है, क्या दुकानदार तक ताली बजा रहे हैं बेचारे। महंगाई मुख्य मुद्दा है, महंगाई, और अपने नाम कमलनाथ जी सर्वे के अनुसार टिकट देंगे और कांग्रेस बहुत बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल सर्वे के अनुसार मिलना चाहिए, जो सर्वे में जो नाम आता है अगर उसके अनुसार टिकट दी जाती है तो 100% कांग्रेस यहां से चुनाव जीतेगी। और यदि सर्वे के अनुसार नहीं मिला तो फिर गड़बड़ है? चुनाव तो फिर भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सर्वे को अगर महत्व दिया जाता है, जनता की राय को अगर महत्व दिया जाता है तो कांग्रेस इस बार चुनाव जीतेगी इस विधानसभा में। अच्छा, कितना बदल गया आपका ये कन्नौज? कन्नौज बहुत कुछ बदल गया, विकास हो रहा है। इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में? अब वो तो टाइम आगा देखेंगे, कौन की लहर चलती है, क्या है। अभी कौन ठीक काम करता, बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? अभी तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। क्या कर दिया होगा? विकास भी कर रहे हैं, कूटी वूटी का भी चल रहा है, दे रहे हैं, कर रहे हैं। आपको मिला कुछ? हाँ मिला ना, कूटी के मिली, प्रधानमंत्री आवास। हाँ, किसकी बनेगी इस बार, बीजेपी की कांग्रेस? सर विधायक अगर यहाँ का रिया तो बीजेपी बनेगी, विधायक यहाँ का अच्छी है, कोई से यहाँ का अधिकतर का ही है, जब से हमने देखा है ना, जब से विधायक कन्नौज का ही बना है। आशीष जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं आशीष जी, खुश हैं लोग? वो तो 50% खुश है, 50% दोनों तरफ ही हो, तो ऐसा थोड़ी कि उनकी, हाँ 50% पर से तो कोई विकास नहीं आया यहाँ पे, कोई इतना बड़ा गाँव है, जिला बनने की कगार पे, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ा कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आदमी पेट भर सकता है बस, ये है रोजगार। हाँ, के रोजगार का तो कुछ भी तो नहीं है साधन, कहाँ है यहाँ रोजगार, बताओ कुछ रोजगार हो। 2018 में इस सीट से मुकाबला बहुत रोचक नहीं रहा, बीजेपी को अच्छी जीत मिली और एक बार फिर स्थानीय विधायक आशीष शर्मा 2023 की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो 2023 में उसकी नैया पार लगा सके। देखिए, एक तो हमारा काम विश्वसनीय है, 12 महीनों 24 घंटे काम करते हैं, सिर्फ चुनाव आ गया इसलिए जनता के बीच नहीं जाते, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख में दुख में। विकास की हर वो योजना जो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से आ सकती थी हम लेकर आए हैं। इंदौर बुंदी रेल लाइन के लिए 514 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसका काम चल रहा है। नेशनल हाईवे 4 लेन का काम इस समय तेजी से चल रहा है। सिंचाई परियोजनाओं में हंडिया बैराज और छिपानेर माइक्रो इरिगेशन दोनों का काम चल रहा है, अंतिम चरण में छिपानेर माइक्रो और हंडिया बैराज का काम चालू हो गया, जिससे हमारे विधानसभा के लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, और जो गांव बचे हैं उनको भी हम नई सिंचाई परियोजना से जुड़वा रहे हैं। नया अस्पताल बना है, नया कॉलेज का भवन बना है, इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का भी हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया है। जनता वोट इसीलिए देती है कि सुख दुख में हर समय उसका जनप्रतिनिधि उसके साथ खड़ा रहे।
कन्नौज खातेगांव विधानसभा में जितनी क्षमता साथियों में है, हमारे कार्यकर्ताओं में है, उतनी क्षमता देवास ज़िले में किसी भी विधानसभा में नहीं है, ये मैं साफ गोई से कह सकता हूँ। मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार का ही मार्जिन बहुत नॉमिनल था, 7,500 से डॉक्टर ओम पटेल पराजित हुए थे, उन्हें समय बहुत कम मिला था। क्योंकि इस बार सारे साथियों ने मिलकर प्रण किया है, अभी आप देख रहे हैं घर घर चलो अभियान में सब साथी एक साथ थे, अभी वर्तमान में जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है उसमें सारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं सब एक साथ घूम रहे हैं। साथ ही 4 में से 3 जिला पंचायत हम चुनाव जीते हैं वहाँ पर सदस्यों के रूप में, कन्नौज जनपद भी हम जीते हैं, खातेगांव जनपद भी हम जीते हैं। इसका मतलब ये है कि कन्नौज खातेगांव का प्रारंभिक रुझान कहें या सपोर्टिंग फैक्टर कहें वो कांग्रेस पक्ष में ज़्यादा दिखता है। जहाँ तक सवाल है आशीष शर्मा जी का, उनके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दोनों ही दल अपनी तैयारी में जुटे हैं और नर्मदा के इस नाभि स्थल से जो संदेश जाएगा वो पूरे इलाके को प्रभावित करेगा। बात बीजेपी की भी होती है, बात कांग्रेस की भी होती है, शिवराज की, कमलनाथ की, राहुल गांधी की, मोदी की, लेकिन अब शाम का वक्त हो चला है, माँ के दरबार में आरती चल रही है, लेकिन 2023 के चुनाव में जनता किसकी आरती उतारेगी, तो इंतजार कीजिए। हम तो जायका लेने पहुंचे थे खातेगांव कन्नौज विधानसभा का, हर तरह के लोग मिले, माँ नर्मदा की बात भी हुई है और साथ ही धर्म संस्कृति परंपरा सब देखने को मिला, लेकिन जायका बहुत अलग है कन्नौज और खातेगांव विधानसभा का। पर होगा क्या, तो इंतजार करना होगा, फिर मुलाकात होगी किसी अगले विधानसभा में। मुझे और नागेश को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।